बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूँ हैदर हयात खान। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम गुलाम मुस्तफा साहब, कंसल्टेंट ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। नाजन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया। अब 2 साल होने को है। 2 साल के अंदर कुछ चीजें जो नहीं बदली, उनमें नहीं बदला तो पाकिस्तान का ये स्टांस नहीं बदला, जो बड़ा बेहतरीन स्टांस है कि जब तक भारत कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं करता तब तक शायद गुफ्तगू उससे करना वो मुनासिब नहीं है। दूसरा क्या नहीं बदला, वो भारत की हठधर्मी नहीं बदली और भारत मुसलसल कश्मीरियों पर जुल्म सितम जो है उसको बरकरार रखे हुए है, बल्कि बढ़ा रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर वहां से फेक एनकाउंटर्स की खबरें आ रही हैं। और अगर कुछ बदला है इस 2 साल के अंदर तो वो कश्मीर की डेमोग्राफी बदली है, जिसको बड़ी तेजी से भारत ने तब्दील किया है। उस खत्ते के अंदर भारत ने किस तरह आबाद किया आके गैर कश्मीरियों को और किस तरीके से हालात वहां पर तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान गुज़श्ता 2 साल में कहाँ खड़ा रहा है, कश्मीरी पाकिस्तान को अब कैसे देख रहे हैं और क्या इस मसले का कोई प्रैक्टिकल हल मुमकिन है या नहीं, इसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहले तो 2 साल हो गए हैं और 2 साल के अंदर ना पाकिस्तान का स्टांस बदला, जो मेरा ख्याल है कि बड़ा एक प्रिंसिपल स्टांस है। भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा, तो इस 2 साल के पैच में आपको क्या नजर आ रहा है कि हुआ क्या है कश्मीर में? देखिए, जब से ये हुआ है चंद चीजें मैं तवाते से कहता चला आ रहा हूँ। उससे पहले भी मुझे अभी तक मुझे उसको चेंज करने की भी जरूरत महसूस इसलिए नहीं हुई, हो सकता है बहुत सब्जेक्टिव भी हूँ और मेरी बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी है कश्मीर के साथ, हो सकता है कि मैं इस सिलसिले में बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव भी हूँ। लेकिन हमारा कश्मीर का मुकदमा हमेशा से गलत बेसिस पे रहा है। कश्मीर भारत को दिया क्यों गया था, लड़ाई यहां से शुरू होनी चाहिए थी। बहरहाल, 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो बीजेपी के जो भी उन्होंने अपना एक बनाया हुआ था प्रोग्राम, उसका हिस्सा था और ये सेंक्शन था। इसको अमेरिका की, बरतानिया की, फ्रांस की पुष्टपनाई हासिल थी। इसको रूस एक साइलेंट पार्टनर के तौर पे था, चीन को ये पसंद नहीं था ये चीज जो भारत ने की उसने। बहरहाल ये हुआ और इंटरनेशनल कम्युनिटी से शुरू करें आप उसको, लिखा बोला खत्म हो गया बात। उनके लिए कश्मीरी मुसलमान इंसान नहीं है। अगर ये क्रिश्चियंस होते या ज्यूज होते तो आप देखती है दुनिया कैसे खड़ी हो। मुझे रेसिस मत कहिए, लेकिन ये हकीकत है इस दुनिया। वहां पे किसी के कानों पे जून तक नहीं रहेगी। लिखा बोला पढ़ा खत्म हो गया बात। भारत दूसरा इसका पार्टनर है बड़ा। इंटरनेशनल कम्युनिटी की मैंने आपसे बात कर दी। यूएन एक एक लौंडी है ताकतों के हाथ में और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल किया जाता है जब चाहे वो। आपने पिछले दिन आप देखा जब ये इसराइल का जो मसला बना था गजा में फलस्तीनियों के साथ, तो यूएन तो जो मर्जी कहता रहा, हरकत में सुकत आया जब इसराइल ने शोर मचाया कि हमारी जान बचाओ आके। तो जी यूएन का भी रोल यही है कि वो एक जैली तंजीम के तौर पे काम कर रहा है बड़ी ताकतों की, और इसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस वगैरह ये मुल्क शामिल है उसमें। भारत अपना एक एजेंडा है उसका, और एजेंडा उसका बड़ा वाजे है। बार बार मैं कह रहा हूं, अब फिर मैं कह रहा हूं कि भारत ने जो 5 अगस्त 2019 का इकदाम था, ये सकूत ढाका के बाद पाकिस्तान के ऊपर दूसरा बड़ा हमला था। ये पाकिस्तान की सालमियत पर हमला था। भारत को यहाँ पे कंसोलिडेट करने दिया जाएगा, मैं सुबह से कह रहा हूं आज भी ये हो रहा है। पाकिस्तान जो मर्जी कह ले दुनिया की, कोई और ताकत इसको सुनने को या इस पर काम करने को तैयार नहीं। भारत लगातार जो वहां पे जो वैली है जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत है, 80 लाख जो वैली में जो लोग हैं हमारे कश्मीरी मेरे पाकिस्तानी हैं वहां पे, उनके ऊपर 9 लाख फौज बिठा के रखे हुए। उसमें जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो तो अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं, इज्जतें कुर्बान कर सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े कुर्बान कर सकते हैं, वो तो वो कर रहे हैं। उन्होंने 9 लाख से ज्यादा भारतीय फौज को पिछले 2 साल से ज्यादा से लॉकडाउन में रखा हुआ है। भारत उससे निकल सकता नहीं है। भारत की कोशिश तो है, लेकिन कश्मीरी रोज के हिसाब से अपनी शहादतें पेश करके दुनिया को बार बार दुनिया के जमीर को झंझोड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया सुनने को तैयार नहीं है। सर, वो तो कर रहे हैं, हम अपना किरदार ठीक से अदा करते हैं। अब मैं आता हूं पाकिस्तान की तरफ।
भारत अपनी तरफ जारी है, वो वहां का तनासब आबादी का चेंज कर रहा है बड़ी तेजी से। हमारे यहाँ से जो आवाजें उठती हैं, नहीं ये हमें आराम से बैठ के बात करना चाहिए, हमें इसको पहले पाकिस्तान को कहीं पे ले जाएं फिर बात करें, ये टाइम सेंसिटिव इशू है। जिस दिन वहां पे तनासब भारत के हाथ में हो गया उस दिन वो बात करना शुरू कर देगा, फिर आपके पास कुछ रहेगा नहीं। पाकिस्तान का हालात देख लीजिए, पाकिस्तान में आज भी जो आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है, कभी आपने उसकी बातचीत सुनी उस शख्स की? हैरान कुन है कि हमने ऐसे शख्स को चुना आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने के लिए, जिसको एक सफे अव्वल का कश्मीर कॉज का सिपाही होना चाहिए। अब उनको चुन के, और ये जो गुज़श्ता इंतखाबात में जो आपने जिस तरीके से उन्होंने जहर घोला है, बाकी पार्टियों ने जहर घोला है वहां पर, तो आप अंदाजा कर लीजिए कि पाकिस्तान में जो हमारी सियासी अशराफिया है वो कितनी सीरियस है सिलसिले में। पाकिस्तान ने, ठीक है हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़ा वाज है इस बात पे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की इंटरनेशनल लेवल पे, और वो बेहतरीन बात करते हैं जब भी करते हैं। उन्होंने भारत का जो एक फैसिज्म था, जो मोदी को और भारत में जो ब्राह्मण ज़ायनिज्म था, उसको बहुत खुले बेधड़क तरीके से दुनिया के सामने बेनकाब किया है। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान को करना चाहिए था, क्योंकि देखिए लड़ाई ऑफ द टेबल ले गए हम पहले दिन से इसके ऊपर, तो जो अगर आप लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं तो आपकी बात सुनेगा कौन, क्यों सुनेगा आपकी बात कोई? जो आपकी लड़ाई है या जिसको हम वॉर कहते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, आप उसको कभी ऑफ द टेबल नहीं लेके जाते। लड़ाई लड़ने के लिए आपकी तैयारी आपकी लाजमी होती है हमेशा, अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। डिप्लोमेटिकली आप जो मर्जी कर लें कोई आपकी बात नहीं सुने। तो पाकिस्तान ने एक किस्म की कह लीजिए कंट्रडिक्शन टर्म्स है पाकिस्तान के स्टांस में, लड़ने को हम तैयार नहीं है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करने की कोशिश करते हैं वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में होता है। पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन उस स्टैंड को लेके दुनिया को मनवाना तो है ना, आप इसी तरीके से कैसे मनवाएंगे उसको? दो साल में तो हम डिप्लोमेसी खेलते रहे, डिप्लोमेसी का रिजल्ट भी हमें मिल गया कि दो साल हो गए ना हम मुज़ाकरात की टेबल पर इकट्ठे हो सके, दो साल हो गए ना कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भारत ने रिवर्स किया, दो साल हो गए। अब तो कोरोना की वजह से इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जिस तरीके से इस इशू को हाईलाइट कर रहे थे, जो कि 70 साल के बाद होना शुरू हुआ था, अब वो भी दब गया है क्योंकि दुनिया अब अपने मिसाइल की तरफ आ गई। तो फिर अब 2 साल के बाद हम क्या फिर मिलिटरी जो इसको हल करने की तरफ चले जाएं, क्योंकि डिप्लोमेटिकली तो इसका कोई कुछ, देखिए एक कंबाइंड और एक पूरी इंटेग्रेटेड स्ट्रेटजिक अप्रोच होती है जो भी आप करते हैं। जब उस पर आप ये नहीं कर सकते मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट तो आपने बिल्कुल बंद करके रख दें आप इसमें, और डिप्लोमेटिक को आप इस्तेमाल करें बिल्कुल ठीक है। आपके पास उस वक्त 5 अगस्त 2019 के बाद से बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के पास मौका था। उस मौके पर ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़ाई बेवकूफों वाली बात होती है, लड़ाई की हम लड़ाई लड़ेंगे ना, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार तो आप होंगे ना। अगर आप उसको पहले दिन से आपने, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में आके बयान दिया था, हैरान था मेरे लिए क्यों ऐसी बात की उन्होंने, उनको बात करने की जरूरत क्या थी उसमें? आते जो बात करनी थी करे, इसको रहने देते आप उसको। कहीं ना कहीं बिहाइंड उस पर होता है। अब जब भी अमेरिका की आप मिसाल दे रहे हैं ना, दुनिया के फ्री वर्ल्ड का लीडर यही है ना, जिसकी वजह से सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई सारी वजह से, ये फ्री वर्ल्ड का लीडर है, ये तो अफगान तालिबान को मार भी रहा है, मारने की धमकी भी दे रहा है, क्यों भाई? मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है तो बात हो रही ना सारी चीज में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट आपकी ओवरऑल डिप्लोमेटिक जो ऑफेंसिव होता है उसका एक हिस्सा होता है। बहरहाल वो हमने मौका जाहिर कर दिया है, ये 2 साल में कश्मीरी जो कर सकते थे कर रहे हैं, भारत जो कर सकता वो कर रहा है, दुनिया ने जो नहीं करना था वो नहीं किया, यूएन आराम से बैठा हुआ है, आज आके पाकिस्तान रह जाता है। पाकिस्तान इसमें तन्हा है, पहले दिन से मैं बात कर रहा हूँ, और तन्हा पाकिस्तान को ही झंडा लेके चलना पड़ेगा। ये है भी हमारा मसला, ये है भी हमारा बर्ड, उनको मेरे पाकिस्तानी भाई हैं जो वहां पर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता वहां पर हार गए तो गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर नेक्स्ट है भारत का, और उसने कभी इस चीज में कोई छुपाया नहीं है इस चीज को भारत ने कभी, और इसमें उसको पूरी इमदाद और ताइद हासिल है मगरबी ताकतों की, जिसको हम फ्री वर्ल्ड कहते हैं, इसमें हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए। तो अब इसके मुकाबले में पाकिस्तान को अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव दोबारा एक से तैयार करना पड़ेगा,
तो जिसमें आप मिलिट्री को रूल आउट नहीं कर सकते, अगर ना करें लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई मसले का हल नहीं होती, बिगाड़ देती है, लेकिन लड़ाई के लिए तैयार नहीं होंगे तो मसले पे आप बातचीत भी आपसे नहीं करेंगे। हमें एक डिसेंट अप्रोच से हम एक अग्रेसिव अप्रोच की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। जी ठीक है। अच्छा सर, ऐसे में जो करंट हमारी लीडरशिप है, आप समझते हैं कि वो अब दो साल में तो खैर उन्होंने ये चीजें नहीं सोची, मुस्तकबिल के अंदर ऐसी कुछ चीज सोचेंगे, ऐसी कुछ ऐसा कुछ प्लान करेंगे कि वाकई अब जेन्युइनली लगे, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस थी जो कश्मीर के हवाले से उन्होंने की हैं, उसके बाद कश्मीरियों से जब मेरी भी बातचीत होती है तो वो कहते हैं हमारा बड़ा मोराल बुलंद होता है, लेकिन खाली तकरीरों से, तो आपने भी जिस तरह कहा कि ये डिप्लोमेसी से और इन चीज़ों से तो मुमकिन नहीं है, तो आपको लगता है कि अब करंट जो लीडरशिप है वो वाकई अब कुछ सोचेगी कि अब इसको इस मसले का कोई हल निकाला जाए? देखिए, अगर तो आपने भारत को मजबूर करना है कि वो बैठे टेबल पर और कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत दे और 5 अगस्त 2019 से पहले का जो भी आबादी का तनासब था उसके मुताबिक बात करे, तो फिर आपको ये मकसद के असूल के लिए आपने आगे चलना है, और जो भी इसके लिए इकदाम आपको करना पड़े उसको करना चाहिए पाकिस्तान को। अगर इसके लिए आप नहीं करेंगे, कोई भी एक बीच में से चीज रह जाएगी, चाहे आपका पोलिटिकल ऑफेंसिव है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है, आपके जो ओवरऑल नेशनल की तैयारी है, जो हमारे जो सियासी अशराफिया है उसको एक टेबल पे लाके बात करने की जरूरत है। आपको तमाम इकदामात करने पड़ेंगे और जल्दी करने पड़ेंगे, टाइम सेंसिटिव है भाई, इसके लिए कोई इंडेफिनेट टाइम नहीं है हमारे पास। इसलिए जो स्टडी जो भी बनेगी, मकसद पाकिस्तान का वाजे है, भारत को मजबूर करना है कि वो कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत दे। और पाकिस्तान कैसे मजबूर कर सकता है, दुनिया की ताकतों को साथ मिला के कैसे कर सकता है, ये पाकिस्तान को सोचना है, हमारी लीडरशिप को सोचना है। अगर नहीं सोचेंगे तो तारीख का नहीं, ये सब ज्योग्राफी का हिस्सा बन जाएंगे, याद रखिएगा। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। नाज़रीन, आपने जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ी क्लियर चीज है, इसमें कोई ढकी छुपी या कुछ ज़िगज़ैग चीजें नहीं है, सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर है। हमें पता है कि हम किस डायरेक्शन पर चलेंगे तो चीजें ठीक होंगी। हम लोगों ने अच्छा किया है या बुरा किया, हमने डिसेंट अप्रोच के साथ चलने की कोशिश की, हमने कोशिश की कि इस मसले का हल एक डिसेंट अंदाज से निकल सके, जो कि दुनिया शायद दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के साथ की होता तो वो इस तरीके से रिएक्ट ना करता। हम लोग कश्मीरियों के साथ खड़े रहे, लेकिन हमने डिसेंट अप्रोच के साथ इस मसले का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन दुनिया का शायद ये मंजूर नहीं था, ना ही भारत की ये मंजूर है। तो अब पाकिस्तान को थोड़ा और क्लियर हो के इन चीजों को आगे लेकर चलना होगा, नहीं तो जनरल साहब इस तरह फरमा रहे हैं कि अगर हम टाइमली ये चीजें नहीं टैकल डाउन करेंगे तो फिर आगे मुस्तकबिल के अंदर हमारे लिए और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आज के प्रोग्राम से थी, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर यासीन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।